नमस्कार दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल को पढ़ लिया होगा कि बड़ी आंत की सफाई बिना पैसे लगाए, बिना कोई जड़ी बूटी खाए, बिना कोई दवाई खाए, किस प्रकार से एक्सरसाइज के द्वारा बड़ी आंत की सफाई को किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन खुश आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिटनेस, बॉडी इम्प्लीमेंट, फूड डाइजेस्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा कि फ्री में घर पर कौन सी एक्सरसाइज कर आप अपनी बड़ी आंत की सफाई प्रॉपर रूप से कर सकते हैं और बड़ी आंत में किसी भी प्रकार के विघ्न को दूर कर सकते हैं। खासकर कि बड़ी आंत चिपक जाने पर रुकी गलती या बड़ी आंत में जो है मल चिपके होने के कारण आपके शरीर में बन रहे एसिड या तेजाब की प्रॉब्लम से किस प्रकार से निजात पा सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी एक्सरसाइज है, किस प्रकार से कर आप अपनी बड़ी आंत की प्रॉपर रूप से सफाई कर सकते हैं और जहाँ तक हो सके तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। तो इसके लिए आप लोगों को सुबह उठकर सबसे पहले 3 से 4 गिलास पानी लगातार पीने होंगे और मुँह में उंगली डालकर आप लोगों को उल्टी करनी होगी। उल्टी की प्रेशर से आपकी बड़ी आंत की खिंचाई होगी, जिसमें से चिपके हुए मल की संभावना होगी कि वो आंत मल द्वार के द्वारा साफ हो सके और बड़ी आंत में जब आप पानी का विघन गुचोड़िया या लगातार उसमें घुमाएंगे तो इसकी वजह से आपके शरीर में रात्रि को बनी हुई किसी भी प्रकार की तेजाब की मात्रा या गैस की मात्रा आपके पानी के द्वारा उल्टी के साथ बाहर निकल के आने की कोशिश होगी। अगर उल्टी करते वक्त आप लोगों को उल्टी में खट्टापन या तीखापन महसूस हो तो इस बात का वो प्रॉपर संकेत है कि आपको रात्रि में आप लोगों ने जो खाना खाया था वो विरुद्ध आ था, जिसकी वजह से आपको खाना नहीं पच पाया या उसमें किसी भी प्रकार का अम्लीय एसिड बन गया है जो निकल कर आपकी उल्टी के साथ आया है। तो इस प्रकार से आप लगातार हफ्ता दिन हफ्ता अपनी आंतों को सुधार कर सकते हैं और आपकी आंत की सफाई प्रॉपर रूप से रहने लग जाएगी और आपका खाना प्रॉपर रूप से हजम होगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में चढ़ा हुआ लीन मास जो मर गया हुआ है, जिसमें आप खटास नहीं ले सकते, वो मास खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा और एक वेल सुडोल बॉडी बनकर प्राप्त होगी। तो इस बात का ख्याल रखिए, जिन बच्चों की ग्रोथिंग नहीं हुई है, उनकी भी आंत चिपकी हुई है या उनकी आंतों में मल चिपका हुआ है, उनको भी डे बाय डे अपनी आदत को सुधारना चाहिए। लगातार 3 से 4 गिलास लगातार पानी पीजिए और मुँह में उंगली डालकर या वैसे ही उल्टी गिरने की कोशिश कीजिए। जो 3 से 4 गिलास पानी आप लोगों ने पिया है उसको बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात का स्पेशली ये ध्यान रखिए कि पानी निवाया होना चाहिए, क्योंकि सारी रात कार्यरत रहने के कारण आपके शरीर में उमस और इम्यूनिटी बन गई है, जिसकी वजह से आपके शरीर का तापमान सुधर जाता है। तो उस बात का ध्यान रखिए, ठंडे पानी की पीकर उल्टी ना करें, क्योंकि इससे आप जब ठंडा पानी पियेंगे तो आपके अंदर के तासीर में बिगाड़ हो जाएगा और आपको गर्म सर्द होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस बात को स्पेशली ध्यान रखिए, गुनगुना पानी 3 से 4 गिलास पी कर उल्टी करने की कोशिश कीजिए। इससे आपके हाथ में दिन प्रतिदिन सुधार होगा और आपके शरीर में या पेट में जिस भी प्रकार का विघन होगा समाप्त होने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इसके अलावा आप लोगों की कोई भी सुझाव या नीति है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।